नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि को लीज पर देने की नीति में संशोधन को दी मंजूरी। 5 साल में 300 कार्गो टर्मिनल किए जाएंगे विकसित। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को भी मंजूरी। आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ साझेदारी को मजबूत करने को लेकर गंभीर भारत। पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में बोले प्रधानमंत्री। यूक्रेन संकट का कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी होगा अनावरण। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव एनडीएमसी से पास। कई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ देश भर में आयकर विभाग की छापेमारी। संदिग्ध वित्तीय लेन देन और राजनीतिक चंदे की जांच निर्वाचन आयोग भी कर रहा है कार्यवाही। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कन्याकुमारी से आगाज। राहुल गांधी ने कहा, इस वक्त देश को एकता की जरूरत। कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर लंबी होगी यात्रा। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिल्ली में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर शेख हसीना ने कहा कि 50 साल के मजबूत संबंधों में दोनों देशों ने बहुत से क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि महंगाई कम होकर अफोर्डेबल लेवल पर पहुंच गई है, इसलिए सरकार के लिए देश की आर्थिक वृद्धि ही प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने इंडिया आइडियाज समिट में ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया की यात्रा के बाद जापान पहुंच चुके हैं। वे कल भारत जापान की दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में भारत के मिशन प्रमुखों के समूह से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका पर 27 सितंबर को सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार ने पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर लागू रहेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,389 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 50,594 रह गई है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसके पारित होने पर भारत को CAATSA प्रतिबंधों से विशिष्ट छूट मिल सकती है। अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करने और घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने के लिए $50 अरब का निवेश करेगा, जो बाइडेन ने पिछले महीने $280 अरब के चिप से जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। चीन में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है, वहीं 26 लोग अब भी लापता हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में सोमवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति को मंजूरी दी है। इसमें 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आगे 5 वर्षों में विकसित किए जा सकेंगे। साथ ही कोची मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे भूमि लीज नीति में कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूसिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। इससे रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। इस संशोधन में प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान किया गया है। इससे रेलवे को अधिक राजस्व और लगभग 1.2 लाख नौकरियों की रोजगार सृजन होगा। ये संशोधन प्रतिवर्ष
भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश भर में 14,597 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित और उन्नत किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल योजना को 2022 से 2027 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 लाख छात्रों को फायदा होगा। ये सभी स्कूल सरकारी होंगे जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए पायलट परियोजना के आधार पर पीएम श्री स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने में एक आधुनिक परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा तथा इसमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर रहेगा। विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। यह स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा, ICT, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना उन्नत शिक्षा की ओर अहम कदम है, क्या कहेंगे? साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए अहम फैसलों के अगर हम टेकअवेज देखें तो कैसे देखते हैं आप? आज शिक्षा के मामले में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तो पीएम श्री जिसकी बात आप कर रही हैं, उसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच में सर्टिफिकेट की मान्यता को लेकर भी एक MOU साइन होने को हरी झंडी दे दी गई है। उसके अलावा इंडिया और UAE के बीच में भी जो सर्टिफिकेट को मान्यता देने के लिए जो MOU साइन होना है उसके लिए भी मंजूरी दी गई है। तो तीसरा जो आप बता रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखिए, अभी जो रोज़गार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी जोर है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है और इन पीएम श्री स्कूलों के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि हर ब्लॉक में न्यूनतम 2 स्कूल ऐसे हों पीएम श्री। और ये स्कूल कोई नया स्कूल नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो अभी जो स्कूल बने हुए हैं उन्हीं स्कूलों में से एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा और उन स्कूलों को इस तरीके से अपग्रेड किया जाएगा ताकि उनमें आधुनिक तकनीक की शिक्षा दी जा सके, उनमें एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण किया जा सके जो रोजगारमुख हो, स्किल उसको दिया जाए और उसके अलावा उसमें इस तरह के व्यवस्था की जाए ताकि इन्वायरमेंट के बारे में भी उनके अंदर एक कह सकते हैं कि जागरूकता बने। तो निश्चित तौर पे एक नया प्रयोग है, क्योंकि इस तरह के प्रयोग पहले अभी सेंट्रल स्कूल है, जो कई स्टेटों ने अपने आदर्श स्कूल बनाए हैं, उसके अलावा नवोदय स्कूल है, लेकिन ब्लॉक लेवल पे 2 स्कूल बनाने का यह बिल्कुल नया प्रयोग है। और भारत में तकरीबन 6,500 के करीब ब्लॉक हैं और अगर कम से कम 2 होंगे एक ब्लॉक में तो कम से कम 13,000 स्कूल तो बनेंगे ही। और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे थे, उनका कहना यह था कि अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख विद्यार्थी इसमें जाएंगे। तो यह है कि बहुत कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के आलोक में और रोजगार को लोकल स्तर पे, लोकल इंडस्ट्री पे के साथ जोड़ने में और लोकल ज़रूरतों के मुताबिक शिक्षा को देने में यह एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें व्यवस्था की गई है कि स्थानीय मैनेजमेंट हो और उस स्थानीय मैनेजमेंट को यह अधिकार होगा कि वह निर्णय ले सके कि किस तरह की शिक्षा उसमें खासतौर पर दी जाएगी। देखिए, एक क्यूरिकुलम स्टैंडर्ड तो होगा, लेकिन उस स्टैंडर्ड क्यूरिकुलम के अलावा किन और विषयों की, किन और स्कूल्स के लिए छात्रों को शिक्षा देनी है उसकी उसका निर्णय जो है वो लोकल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। और जो एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि इससे केंद्र सरकार से सीधे पैसा जाएगा स्कूलों को और स्कूल का प्रबंधन उसको खर्च करने के तरीके ढूंढेगा। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि इसका 60% जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसके लिए जो राज्यों के साथ बातचीत हो
चुकी है, तो निश्चित तौर पर यह अगर सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में आप समझ सकती हैं कि स्थानीय स्तर पर रोजगार को वहाँ के उपलब्ध रोजगार के अवसरों के साथ जोड़ने के लिए और वहाँ स्किल्ड एक कह सकते हैं कि मैन पावर क्रिएट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दीक्षा, बिल्कुल अखिलेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब छात्र सिर्फ शिक्षित नहीं होंगे, अब उन्हें स्किल्ड भी बनाया जाएगा एक तरीके से, एक अहम कदम। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। व्लादिवोस्तोक में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यह नीति भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक सहभागिता का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। वो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। सत्ता के प्रतीक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना जन प्रभुत्व और सशक्तिकरण का प्रतीक है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास किया गया है। इसके तहत अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे इलाके को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। कर्तव्य पथ में बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुख सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल बनाए गए हैं। पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाली आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पानी का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और कुशल प्रकाशन व्यवस्था जैसी अनेक दीर्घकालिक सुविधाएं इसमें शामिल हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव आज पारित कर दिया। एनडीएमसी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से इस संबंध में प्रस्ताव मिला था, जिसे एनडीएमसी परिषद की एक विशेष बैठक में पारित कर दिया गया। जो प्रधानमंत्री जी के कथानुसार 2014 से अब तक की सरकार है, वो अपने कर्तव्य बोध से प्रेरित है और इसीलिए किंग्सवे का नाम राजपथ से हटकर कर्तव्य पथ करने का काम किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। कन्याकुमारी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारत के करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा है, देश बड़े आर्थिक संकट से घिरे हैं और त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है। सो मेनी इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर फीलिंग द नीड एंड नॉट जस्ट द कांग्रेस पार्टी but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra। DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने
भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज भी सौंपा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले श्री पेर बंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर प्रार्थना सभा में शामिल हुए। यहीं पर 3 दशक पहले एक आतंकवादी हमले में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये इनसे पहली भेंट है। नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति निवास जाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। वहीं नीतीश कुमार के विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात का दौर आज भी जारी रहा। नीतीश कुमार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की। आयकर विभाग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदिग्ध फंडिंग के खिलाफ कई राज्यों में छापेमारी की है। गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में 100 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग ने RUPP उनसे जुड़ी संस्थाओं, संचालकों और अन्य के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई शुरू की है। माना जाता है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विभाग की ओर से अचानक ये कार्रवाई की गई। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. In every week, I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके कानूनी अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को मेरे साथ कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। बहाउल्लाह का एक मूल सिद्धांत यह है कि एकता की रोशनी इतनी व्यापक है कि वह पूरे संसार को घेर सकती है और प्रज्वलित कर सकती है। ऐसे शिक्षणों को और ऐसे सत्यों को देखने के लिए आप हमारा प्रोग्राम देखिए एकम सत्य संसद टीवी पे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाही बाग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर डाउनटाउन चैंपियंस हब बनता जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने मंत्री उमेश कट्टी के निधन पर राज्य में 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। CBI ने आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से कथित तौर पर कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक के परिसरों पर छापे मारे। आयकर विभाग ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके परिवार के जयपुर और उत्तराखंड स्थित परिसरों पर छापेमारी की। अनंतनाग में बिजबेहरा इलाके में थाजीवारा में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। चंडीगढ़ के घनास झील में 500 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया गया है। पर्यावरण विभाग के मुताबिक यह चंडीगढ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 10 अक्टूबर को बंद होंगे। 22 मई को कपाट खुलने के बाद से 2.25 लाख श्रद्धालु गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं।
पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण जलमग्न हुए बेंगलुरु के इलाके में धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो रहा है और जनजीवन सामान्य होने लगा है। ज्यादातर सड़कों पर जल भराव खत्म हो गया है और कुछ इलाकों से पानी की निकासी का काम जारी है। यातायात लगभग सामान्य हो गया है। शहरों में कावेरी नदी के पानी की आपूर्ति बड़े स्तर पर बहाल हो गई है। हालांकि इस बीच बारिश की आशंका बनी हुई है जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का माल और सेवा का निर्यात 675 अरब डॉलर को पार कर गया। देश 2030 तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाकर 2000 अरब डॉलर तक पहुंचना चाहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं और छात्रों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब भारत अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब तक उसकी अर्थव्यवस्था 30,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। अपनी 3,300 अरब की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस सूची में उससे पहले अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। The US and India are working together on innovation and R&D on core areas or areas of commercial interest. So I really am delighted to be at the hub of digital revolutions at Stanford. और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रिटेन की नव नियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भारतीय मूल की सुएला ब्रेवमैन को गृह मंत्री नियुक्त करने समेत अपनी कैबिनेट के शीर्ष पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। इसके अलावा ट्रस की शीर्ष टीम में थेरेसी कॉफे को उप प्रधानमंत्री और क्वासी क्वाटेंग को वित्त मंत्री बनाया गया है। जेम्स क्लेवरली को विदेश मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। वेंडी मॉर्टन को ट्रेजरी की संसदीय मंत्री नियुक्त किया गया है और वह टोरी दल की पहली मुख्य सचेतक बन गई हैं। नई कैबिनेट में भारतीय मूल के आलोक शर्मा को भी शामिल किया गया है। वह COP26 के अध्यक्ष के तौर पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी निकाय ने रूस और यूक्रेन के ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र के इर्द गिर्द परमाणु सुरक्षा और संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने की अपील की है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के कारण यूक्रेन में कोई भारी विपदा आने की आशंका बढ़ रही है। पिछले सप्ताह निरीक्षण दल द्वारा यात्रा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि संयंत्र और उससे जुड़ी सुविधाओं को और कोई नुकसान होने से रोकने के लिए उसके आसपास गोलाबारी तत्काल रुकनी चाहिए जिससे वहां काम करने वाले कर्मियों की भी सुरक्षा बनी रहे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं सेंट्रल विस्टा की ड्रोन से ली गई तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।